ठीक है बेटा कैसे हो आप सब लोग अभी हम लोग आपका बेटा लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल का टॉपिक कवर किया था जिसमें सेवन पॉइंट वन हम लोगों ने कवर किया था जिसमें एंगल्स सम प्रॉपर्टी वगैरह था अभी ये चैप्टर में बेटा ये एक्सरसाइज में आपको आइसोसेलस ट्रायंगल पता है और आपको ये भी पता है कि कोई भी अगर आइसोसेलस ट्रायंगल है तो उसके दो साइड्स क्या होते सेम टू सेम होते तो बस यहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी सेम टू सेम होता है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल ठीक है हम लोग उस पर ही बेस्ट ये एग्जाम्पल देख रहे एंगल्स टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल एंगल ऑपोजिट टू Equal sides of an isosceles triangle are equal. ठीक है तो ये थेरम बेटा आप लोगों को बताना है एंगल ऑपोजिट टू आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल ठीक है तो बस आपको क्या बताना है <clears> okay. <throat> देखो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोगों ने एक बेटा ट्रायंगल आपको निकालना है दीज आर द ऑपोजिट दीज आर द टू साइड्स विच आर इक्वल मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी सी इक्वल साइड्स गिवन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी वी हैव टू शो दैट हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और ये कंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा हमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए निकालना होगा लेट्स ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल लेट्स ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बराबर है तो अभी देखना है बेटा अभी ये दो ट्राइंगल बन गए यहां पे ट्राइंगल नंबर वन ट्राइंगल नंबर टू अभी देखना है बेटा इन ट्राइंगल एम बी And triangle A M C बराबर है मैं क्या बताऊंगा बेटा सबसे पहले देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन देन एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी एम बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बाई सेक्टर बराबर है और अभी तीसरा रहेगा बेटा साइड ए एम इज इक्वल टू ए एम उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कॉमन साइड तो अगर आपने देखा तो बाय साइड एंगल साइड एस एस टेस्ट से सो बाय एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मैं बेटा लिखूंगा ट्रैंगल बी ए एम इनग्रंट विथ ट्रैंगल सी एम और बेटा अगर ये दो ट्रायंगल बेटा मेरे कॉन्ग्रेंट है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल ए सी एम और आपको पता है एस बी डैश एम डैश सी तो मैं ए बी एम की जगह लिख सकता हूं ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी और ये है आपका करस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रैंगल दिस इज प्रूड एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेल ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल ये बेटा मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो ये ऐसे ही बेटा हमें ये सब सम करने हैं इसका कॉन्वर्स भी होगा हम लोग अभी डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं एक्सरसाइज की तरफ आते हैं अगर आपने ये देखा तो ये आपको एग्जाम्पल अभी रीडेबल है ठीक है, एग्जाम्पल इज रीडेबल अभी बेटा यहां पे देखो यहां पे उन्होंने एक बेटा ट्राइंगल दिया हुआ है ठीक है यहां यह एक ट्रैंगल दिया हुआ है, और उन्होंने इनन आइसोसेलस ट्राइंगल ए बी सी मतलब मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी सी ये आइसोसेलस है बेटा मतलब मेरा गिवन क्या होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी बाई सेक्टर ऑफ बी एंड सी अभी देखो ये बी का बाई सेक्टर है बाई सेक्टर मतलब वो एंगल को बराबर डिवाइड करता है बी एंड सी ठीक है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ उन्होंने दिया ज्वाइन ए ओ हमें क्या करना है ये ए -ओ को बेटा ज्वाइन कर देना है देखो मैंने ए ओ को क्या किया ज्वाइन कर दिया। वी हैव टू शो दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी। वी हैव टू शो दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी। ये मुझे बताना है। टू प्रूव क्या? ओबी इज इक्वल टू ओसी। एंड एओ बाइसेक्स एंगल ए। एंड एओ बाइसेक्स एंगल ए। अभी अगर आपने अच्छे से बेटा ध्यान दिया तो आपको समझ में आएगा सबसे पहले गिवन क्या दिया है बेटा गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है एंगल सी तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए सी बी और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है बी तो एंगल ए बी सी बराबर है इसका ही मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स मैंने ये बस ये इसको रीजन दिया बराबर है अभी इसके बाद क्या करना है बेटा उसके बाद हम हाफ ऑफ सी लेंगे हाफ ऑफ सी एंड हाफ ऑफ बी दोनों जगह हाफ करते हाफ ऑफ एंगल सी इज हाफ ऑफ एंगल बी बराबर है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हाफ ऑफ सी का मतलब क्या है एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी वाई बिकॉज बी ओ एंड सी ओ इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी तो मैंने ऐसे लिख लिया अगर अब देखो बेटा अभी ये एंगल और ये एंगल अगर सेम टू सेम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे सेम टू सेम होंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ ओ सी बी ओ सी बी के सामने वाला कौन है ओबी इज इक्वल टू ओ सी मैं यहां पे लिखूंगा साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल बस यही तो मुझे बताना था ओ बी इज इक्वल टू ओ सी जो मैंने बता दिया है सर सेकंड हमें क्या बताना था सेकंड उन्होंने दिया है कि एओ बाइसेक्स एंगल ए एओ बाइसेक्स एंगल ए इसका ही मतलब क्या है बेटा हमें ये बताना है कि ये एंगल बराबर ये एंगल है तो अब ये एंगल कौन से दो तो ट्राइंगल में आपको दिख रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं ओ ए बी बराबर है ओ ए बी तो देखो दैट इज वी हैव टू शो दैट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी ये मुझे बेटा बताना है ठीक है तो इससे मैं क्या बताऊंगा देखो अभी ये अगर मुझे बताना होगा तो मुझे सबसे पहले इन सेकंड के लिए हाँ इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी ये दो ट्रायंगल अगर मैंने देखा तो उसमें बेटा जैसे मुझे पता है एंगल ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल ओ सी ए क्यों बेटा मैंने लिखा है बी ओ एंड सी ओ इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी बराबर है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इसलिए मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूं उसके बाद बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया क्या बताया हमने मैं यहां पर लिखता हूं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूड ये ऊपर हमने बताया तो बेटा ये देखो दिस इज साइड दिस इज एंगल

कॉनग्रंटी होंगे तो हम लोग लिखेंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी बात आपको समझ में आ रहा है बस एंगल ऑफ इज प्रूड हमें यही तो बताना था ठीक है तो बस ये बेटा ऐसे सॉल्व करना है सब जिंदगी आसान है ठीक है ओके हम लोग आगे के सम पे बेटा जा रहे हैं सेकंड सम आपको दिया हुआ है इन ट्रैंगल ए बी सी एड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो इन ए बी सी इन ट्रैंगल एबीसी बी ए बी सी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एडी क्या है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दिस इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर

AD परपेंडिकुलर है तो ये भी दिया हुआ है ADB डी बी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू डिग्री खत्म तो हमें वॉट वी हैव टू प्रूफ हमें बताना है ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्रैंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या है आइसोसिलस ट्रायंगल है तो अभी यहां पर देखो ये दो ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी देखो ए डी इज इक्वल टू ए डी विच इज कॉमन साइड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डीसी गीवन बी डी इज इक्वल टू सी डी अगेन गीवन तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट मैं यहां पर लिखूंगा बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ट्राइंगल ए डी बी इ कॉन्ग्रंट विंगल ए डीसी तो बस ए बी इज इक्वल टू ए सी करस्पोडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सेम इक्वल तो बस ये हमने प्रूव कर दिया सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी इज is एन आइसोसेलस ट्राइंगल बोलो भारत मता की जय सर ये आगे का एग्जाम्पल बताओ देखो बेटा डिफिकल्ट नहीं है उन्होंने दिया हुआ है एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इसका मतलब क्या है गिवन दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिस इज गिवन इन विच अल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन इक्व ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी तो ये भी दिया हुआ है बीई पर पेंडिक्यूलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिक्यूलर टू ए बी शो दैट दिज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल वी हैव टू प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स बी ई इज इक्वल टू सी एफ ये मुझे बताना है तो अभी देखना है बेटा बी ई और सी एफ कौन से दो ट्राइंगल में आते है? देखो बी ई आ जाता है ऐसे 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 और सी एफ आ जाता है ऐसे ऐसे और ये एफ बात समझ में आ रहा है ये दो ट्राइंगल्स बेटा आपके सामने है दीज आर द टू ट्राइंगल्स ये दो ट्राइंगल अगर हमें कंसिडर करने हैं तो देखो बेटा आपको ये तो पता है कि ये ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है ठीक है ये ट्रायंगल में ये साइड है मतलब मैं यहां पे बता रहा हूं देखो ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे है तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल एक कॉमन हो गया और ये साइड हो गया तो भाई एंगल एंगल साइड और यहाँ पे भी सेम है ये 90 डिग्री है ये ए एंगल दोनों के लिए एक ही है और ये साइड ये भी सेम है तो वह एंगल एंगल साइड तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी हम लोग क्या बताएंगे बेटा ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी में मैं पहले ये बताऊंगा एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी why because be perpendicular to ac and cf perpendicular to ab बराबर है दूसरा बेटा एंगल eab एंगल fac मैं इसको लिखूंगा कॉमन एंगल क्या लिखूंगा बेटा कॉमन एंगल और उसके बाद होगा बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बाय एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा ए ई बी एज कॉन्ग्रंट विथ ट्रैंगल हमें बताना है कि उसके अल्टीट्यूड सेम टू सेम है तो देखो बी ई इज इक्वल टू सी एफ बी ई इज इक्वल टू सी एफ दिस इज करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रंट ट्राइंगल सो अल्टीट्यूड आर सेम इट्स प्रूफ यही डिफिकल्ट है क्या नहीं no. ठीक है चलो ये लिख लो ठीक है ये सब सेम तरीके से बेटा ऐसे ही सॉल्व करने अगर हमने आगे का भी सम देखा तो वो अभी बेटा यही लॉजिक होगा कुछ अलग नहीं है लॉजिक देखो एबीसी इज अ ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच अल्टिट्यूड्स बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल बराबर है अभी उन्होंने दिया है कि बीई और सीएफ आपके क्या है बेटा इक्वल है बीई और सीएफ क्या है इक्वल अब उल्टा दिया है गिवन में क्या दिया है बीई इज इक्वल टू सीएफ शो दैट ए बीई ए बी ई इज इक्वल टू ए सी एफ ये हमें बताना है तो अगेन बेटा सेम बात है देखो ये ट्रायंगल अगर हमने लिया ऐसे तो देख दो दिस इज 90 डिग्री दिस एंगल बात समझाए दिस 90 डिग्री दिस एंगल एंड दिस एंगल अगेन आप लोग ये ऐसे बात कर सकते हैं ए एस से हाँ? सेम तरीके से ए एस से आप बता सकते हो तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं आप यह अपने अपने लिखना है बेटा बी इट्स कॉन्ग्रंट विथ ट्रायंगल ए एफ सी बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट एंगल कौन सा बेटा सबसे पहले होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दूसरा होगा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल परपेंडिकुलर ही होता है और तीसरा है बेटा आपका बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट आप ये लिख सकते हो अगर ये सेम टू सेम है तो ये ट्राइंगल सेम टू सेम हो गया और फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया कैसे करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रंट ट्राइंगल्स भैर मता की चलो लिख लो अच्छे से बेटा हम लोग अभी आगे का सम देख रहे हैं गिवन उन्होंने हमें दिया है कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसियल ट्राइंगल देखो बेटा गिवन एबीसी बी एंड ट्रैंगल डी बी सी आर आईसोसेलस एबीसी आईसोसेलस मतलब क्या है एबीज इक्वल टू ए सी है डीबीसी आईसोसेलस मतलब क्या है बी डी इज इक्वल टू सी डी है शो दैट ट्रैंगल ए बी डी वी हैव टू प्रूव एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बस ऐसे बताना है तो देखो अच्छे से मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी वाई है ये क्या हो गया बेटा आपके आइसोसेलस ट्रायंगल हो गए इसे मैं इक्वेशन नंबर वन दूंगा दूसरा इन आइसोसेलस ट्रायंगल बी एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी इक्वेशन नंबर टू बस अभी समझ लो फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए बता रहा हूं ये फोर्टी है ये फोर्टी है ये थर्टी है ये थर्टी है अगर मैंने इनका एडिशन किया इनका एडिशन किया तो दोनों क्या होंगे सेवेंटी से मतलब दोनों भी क्या होंगे सेम टू सेम होंगे मुझे आपको यही बताना है मतबल क्या है करना बेटा आपने करना है इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू करो इक्वेशन नंबर वन का एल क्या बेटा एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी इज इक्वल टू ये ए बी सी प्लस डी बी सी क्या होता है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बस तो यही तो मुझे बताना था इज का है बिल्कुल नहीं हाँ खेलना है खेलना है और खेलना है आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना अच्छे से जिससे बेटा आपका कॉन्फिडेंस और मेंटेन होगा देखो बेटा ये आगे का सम दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच ए बी

एंगल ये तो मैंने कंक्लूजन निकाल लिया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल ऐसे में रीजन दे सकता हूं दूसरा दिया हुआ है साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड बी ए को मैंने बढ़ा लिया कितना बढ़ाया डी तक सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी ए डी इज इक्वल टू ए बी इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए डी

ए बी का मतलब ए सी है और ए बी का ही मतलब एडी है तो अगर ए बी ए सी का दोस्त है ए बी एडी का भी दोस्त है तो एडी और ए सी भी एक दूसरे के दोस्त होंगे तो मैं लिख सकता हूं एडी इज इक्वल टू ए सी बराबर है अगर ए डी और ए सी एक दूसरे के दोस्त है बेटा तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ सो एंगल ए डी के सामने कौन सा एंगल है ये है तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी दिस इजेशन नंबर फोर अब मुझे कुछ भी करके बी सी डी मुझे 90 डिग्री बताना है तो मैं देखूँगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री बराबर है अब ये देखो एंगल बी और एंगल सी क्या है सेम है लेट इट बी एक्स डिग्री तो ये हो गया एंगल ए प्लस x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 degree डिग्री एंगल ए प्लस is equal to इक्वल टू बराबर है एंगल x प्लस टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 180 एटी डिग्री यहां तक तो आपने लिख लिया यहां तक आपने लिख लिया इसे मैं इक्वेशन नंबर फाइव दूंगा अभी मैं जा रहा हूं बेटा इन ट्रायंगल ए सी डी में आपको अगेन पता है एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो फिर बेटा ये होगा एंगल ए तो आपको पता नहीं है प्लस एंगल डी और एंगल सी देखो ना एंगल डी और एंगल सी क्या होगा सेम टू सेम होगा क्या होगा सेम टू सेम होगा तो मैं इसको एक्स नाम दे देता हूं बात समझ में आ रहा है ना मैं उसे एक्स नाम दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो एंगल ए प्लस टू एक्स डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अभी मैं क्या करता हूं अच्छे से देखो दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स तो अभी देखो एड फाइव एंड सिक्स पांच और छह का एडिशन करो तो एंगल ए यहाँ पे बेटा एंगल ए मतलब क्या है इसका नाम बी ए सी तो मैं लिख रहा हूं एंगल चलो पहले ये लिख लाओ एंगल ए प्लस टू एक्स प्लस एंगल ए प्लस टू एक्स वन एटी प्लस वन एटी एंगल ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे एंगल बी ए सी प्लस ये एंगल ए का मतलब क्या हो गया एंगल सी ए डी प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स टू एक्स प्लस टू एक्स थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी एडी बी ए सी प्लस सी ये क्या हो गया एंगल दिख रहा है तो लीनियर पेयर का एडिशन कितना होता है बेटा वन एटी डिग्री तो मैं यहां पे लिखूंगा वन एटी डिग्री टू एक्स प्लस टू एक्स होता है फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो ये होगा बेटा 4x एक्स थ्री सिक्सटी माइनस वन तो फोर एक्स वन डिग्री तो x 180 एटी बाय फोर तो हो गया 45 डिग्री और x मत बल कौन है बेटा मेरा यहाँ पे मैंने इसको x माना है इसको x माना है इसको x माना है इसको x माना है तो बस तो x हो गया मेरा 40 डिग्री तो फिर अभी मैं क्या करूंगा मुझे बी सी डी बताना है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी ए सी डी बी सी ए कितना है बेटा देखो अच्छे से बी सी ए उसको मैंने क्या माना है एक्स ए सी डी यहां पे देखो ए सी डी को क्या माना है X तो ये हो गया मेरा टू एक्स और ये हो गया मेरा बी सी डी और एंगल बी सी डी क्या है टू इंटू फोर्टी फाइव तो ये हो गया नाइनटी डिग्री तो एंगल बी सी डी इज नाइनटी डिग्री इज प्रूफ बोलो भारत माता की जय माता माता की जय ठीक है बेटा मैं जाऊँ आगे देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है बस एक बार देखना नोटबुक पूरा बंद करना है और फिर से विदाउट सिंग सॉल्व करना है ऐसे किया तो सब आसान जाएगा देखो बेटा उन्होंने अभी ये दिया हुआ है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो ये ए बी सी है इन एंगल ए 90 डिग्री है एंगल ए 90 डिग्री है तो ये होगा बी ये होगा सी इन्होंने दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी दिस इज गिवन दैट बी इज इक्वल टू ए सी

सॉरी दो साइड सेम होंगे तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं आइसोसेल ट्रायंगल थ्योरम तो लेट एंगल बी एंगल सी एक्स डिग्री सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वन एटी डिग्री एंगल ए नाइंटी डिग्री एंगल बी

माता मता, मता की अम्बे जय फोटो दुर्गा की याई, याई। उन्होंने ये आगे का सम दिया हुआ है उन्होंने हमें पूछा है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल शो दैट इन एन इक्वी लैटरल ट्रैंगल का मतलब क्या है ऑल साइड आर सेम इक्वी लैटरल ट्रैंगल ए बी सी दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आर सिक्सटी डिग्री इच वी हैव टू शो दैट एंगल ए एंगल बी एंगल सी 60 डिग्री टू प्रूफा है तो अभी देखना है बेटा मैं ऐसे करूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर ए बी इज इक्वल टू बेटा ए सी है तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बराबर है ये सेम टू सेम होंगे लेट इट बी एक्स डिग्री दिस इज इक्वेशन नंबर वन अगेन ए सी इज इक्वल टू बी सी बी है ए सी इज इक्वल टू बी सी बी है तो ए सी के सामने वाला एंगल कौन है एंगल ए ए सी के सामने वाला कौन है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी दिस इज ऑल्सो एक्स डिग्री वाई देखो ना ए बी सी बी ए सी का भी दोस्त है ए बी सी ए सी बी का दोस्त है मतलब ए सी बी और बी ए सी बी क्या होंगे एक दूसरे के दोस्त होंगे दैट इज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री मतलब सब एंगल क्या है सेम टू सेम है अभी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है 180 डिग्री होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री थ्री एक्स डिग्री 180 डिग्री एक्स डिग्री 180 अपॉन 3 थ्री डिग्री एक्स डिग्री 60 डिग्री सो so, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू सिक्स डिग्री भारत मता की जय की मता की जय दुर्गा मता की जय भारत मता की जय स्टूडेंट पॉवर नेशंस पॉवर नेशंस पॉवर स्टूडेंट्स पावर, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति राष्ट्र शक्ति छात्र शक्ति भारत की जय